हेलो नमस्कार दोस्तों, रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें दिया गया है, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + (--30 का स्क्वायर) यानी आपको यहाँ से सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है और यहाँ से आपको एन निकालना पड़ेगा। तो 30 तक की आपकी सम संख्याएं कितनी होती है? 30 को 2 से भाग करेंगे 15, यानी 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना पड़ेगा। तो आपका सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है 4n (n+1)(2n+1)/6, यानी 15 आया है। 4 × 15 = 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, 15 × 30 और 1 = 31 भाग में कर देंगे 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से 16 × 5 = 80 80 × 8 = 16 यानी यहाँ से आ गया आपका 160 का जीरो लगा देते हैं, 16 × 16 = 6 आ जाएगा और 16 × 3 = 48 और 1 = 49 आ जाएगा, यानी 49,460 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + (-40 का स्क्वायर) यानी 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो एन 20 आएगा, 4 × 20 × 21 × 41/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 7 यानी यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 7 = 28, 28 के साथ 41 की मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 7 की मल्टीप्लाई 41 से कर देते हैं, यानी 7 × 7 और 7 × 28 और यहाँ से करेंगे 20 × 40, 40 की मल्टीप्लाई 287 के साथ कर देंगे तो यहाँ से 0 × 7 × 28 + 8 × 32 + 34 + 34 = 4 + 4 = 8 + 3 = 11 यानी 11,480 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 100 का स्क्वायर यानी 100 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो यानी 100 तक आपकी कितनी संख्याएं होती हैं? 50 सम संख्याएं होती हैं। तो 4 × 50 × 51 × 101/6 यहाँ से काटेंगे तो 3 × 6 = 17 और 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 17 की मल्टीप्लाई 107 से करेंगे तो ये आ जाएगा 17 और 50 × 100 तो 00 आ जाएगी यहाँ से, यानी 1,71,071,700 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 84 में हमें दिया गया है, प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी आपको सीधा ही एन यहाँ से दे दिया है 20। तो आप फार्मूला लगा देंगे 4 × 20 × 21 × 41/6, 3 से काटा 2 और 3 से काटा 7 और 2 से काटा 2 और यहाँ से आ जाएगा 7 × 14 की मल्टीप्लाई 41 से करेंगे, 14 × 14 = 1, 14 × 56 = 57 यानी 574 × 20 तो यहाँ से 0, 4 × 8, 7 × 14 = 1, 5 × 10 = 11 यानी 11,480 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 85 में हमें दिया है, प्रथम 30 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n आपको 30 दिया है तो 4n इंटू में
आपका होता है एन प्लस में वन इंटू में टू एन प्लस में वन अपॉन में होता है सिक्स। इस फार्मूले में रख देंगे यानी चार गुणा में तीस गुणा में इकतीस गुणा में ये हो जाएगा तीस दुणा साठ और इकसठ अपॉन में छः। छः पाँच काट देंगे तीस आ जाएगा और पाँच सौ के बीस आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से पाँच सौ के बीस आ जाएगा तो आप बीस गुणा में इकतीस गुणा इकसठ कर देंगे। इकतीस गुणा इकसठ अगर करेंगे तो इकतीस आ जाएगा और छः कम छः छः ती अठारह आ जाएगा और यहाँ से एक आठ नौ एक आ जाएगा और यहाँ से बीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जीरो दो नौ दूनी अठारह आठ दूनी सोलह और एक सत्रह और दो एकम दो और एक तीन यानी सैंतीस हज़ार आठ सौ बीस आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर छियासी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छियासी में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर छियासी में दिया गया है एक से पैंतीस तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी एक से पैंतीस तक कह रहा है तो पैंतीस तक आपकी टोटल कितनी संख्याएं सम होती है? पैंतीस में से घटाएंगे तो चौंतीस आएगा, चौंतीस को दो से भाग करेंगे सत्रह, यानी एन यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा आपका सत्रह। अब फार्मूले में लिख देंगे चार गुणा में सत्रह गुणा में अठारह, सत्रह गुणा चौंतीस और एक पैंतीस बटे में छः यानी छः तिया अठारह है तो यहाँ से अगर करेंगे चार तिया बारह, बारह की मल्टीप्लाई सत्रह से कर देंगे, बारह सत्ते चौरासी, चौरासी का चार, बारह कम बारह, बारह और आठ बीस हो जाएगा, दो सौ चार गुणा में पैंतीस कर देंगे तो दो सौ चार गुणा में पैंतीस करेंगे तो चार पंजे बीस और पाँच दूनी दस और यहाँ से करेंगे तो चार तिया बारह और दो तिया छः, जीरो चार एक सात यानी इकहत्तर सौ चालीस इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर सतासी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सतासी में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सतासी में हमें दिया गया है एक से पचास तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, यानी एक से पचास तक की कह रहे हैं तो पचास तक आपकी टोटल कितनी सम संख्याएं आती हैं? पच्चीस, यानी एन यहाँ से निकल कर आ गया आपका पच्चीस और यहाँ से आगे फार्मूला लगा देंगे फोर एन यानी चार गुणा में पच्चीस गुणा में छब्बीस गुणा में इक्यावन अपॉन में छः, यहाँ से काटेंगे दो और यहाँ से काटेंगे तीन, तीन से काटेंगे सत्रह आ जाएगा, यहाँ से, यहाँ से अगर हम करें सत्रह दुना चौंतीस हो जाएगा और पच्चीस पच्चीस छः सौ पच्चीस होता है, एक बार पच्चीस और आया है, छः सौ पच्चीस और पच्चीस छः सौ पचास हो जाएगा यानी छः सौ पचास के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यानी चौंतीस की मल्टीप्लाई इसके साथ आप कर देंगे तो यहाँ से चार के साथ इसके करेंगे चार जीरो जीरो, चार पाँच बीस, चार छः चौबीस और दो छब्बीस और तीन से करेंगे जीरो, तीन पाँच पंद्रह, तीन छः अठारह और एक उन्नीस, जीरो जीरो छः और पाँच ग्यारह, नौ दो ग्यारह और एक बारह और यहाँ से दो यानी बाईस हज़ार सौ क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर अठासी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अठासी में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर अठासी में हमें दिया गया है एक से तीस के बीच की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी एक से तीस के बीच की कह रहा है तो तीस इसमें शामिल नहीं होगा, शामिल क्या होगा अट्ठाईस का स्केयर तक शामिल होगा, यानी अट्ठाईस के स्केयर को अगर अट्ठाईस को भाग करें दो से तो चौदह संख्याएँ निकल कर आ गई सम, यानी एन निकल कर आ गया आपका चौदह। फार्मूला लगाएंगे चार गुणा में चौदह गुणा में पंद्रह गुणा में उनतीस अपॉन में छः, दो से किया दो और यहाँ से आया तीन, तीन पाँचे हो गया पंद्रह यानी चौदह की गुणा चौदह पाँच सत्तर, सत्तर गुणा एक सौ चालीस गुणा में क्या हो जाएगा उनतीस हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यानी जीरो नौ चौक छत्तीस बचा तीन और नौ एकम नौ, नौ और तीन कितना हो गया बारह और यहाँ से दो की जीरो साथ की जीरो, दो चौके आठ और दो एकम दो, जीरो छः आठ और दस और यहाँ से आ गया तीन और एक चार यानी चार हजार साठ क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर नवासी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नवासी में हमें क्या दिया गया है? एक और चालीस के बीच की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी आपको ज्ञात क्या करना है एक से लेकर
40 तक की यानी 1 से 40 के बीच की सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसमें एक तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि सम संख्या कह रहे हैं, तो 2 से स्टार्ट होगी, प्लस में कहाँ तक जाएगी, ये 38 तक जाएगी, और इसने कहा है कि 40 नहीं लेना है क्योंकि 40 के बीच की कहा है, तो 38 लेंगे, एन निकालेंगे तो 38 को 2 से भाग करेंगे तो 19 आ जाएगा, क्योंकि 38 तक आपकी सम संख्याएं होती है 19, यानी यह फार्मूला था हमारा 4n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। तो इसके फार्मूले में अगर रखेंगे वैल्यू तो 4 गुणा में 19 गुणा में 20 गुणा में 39 अपॉन में 6, यानी यहाँ से करें 2, यहाँ से करें तो 3, 3 से करें तो 13, यानी यहाँ से करें तो 2 × 4 13 चौके 52 है, 52 गुणा में 19 कर देंगे और साथ में 0 लगा देंगे, यानी 10 20 वाली, तो यानी यहाँ से करेंगे 13 चौके 52 आ गया हमारा, 52 गुणा में 19 कर देंगे तो यहाँ से 19 की गुणा हम 52 से कर देते हैं, 19 दुना 38 है, 19 × 95, तो यहाँ से 988 और 20 बाई 0 लगा देंगे तो 9880 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 90 में हमें दिया गया है 22 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर प्लस में 26 का स्क्वायर प्लस में डैश 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 50 का स्क्वायर, यानी ये क्या है, सम संख्याओं के वर्गों के जोड़ की ब्रेकअप सीरीज आपको दी गई है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये क्या है, 50 तक देखें पहले कितनी सम संख्याएं आएगी, 50 को 2 से भाग किया तो आया 25, यानी n की वैल्यू आ गई 25 यहाँ से, तो 4 गुणा में n इंटू n प्लस 1 26 हो गया, 2n प्लस 1 51 हो गया अपॉन में 6। अब हम क्या करेंगे, 22 से पहले देखें कौन सी सम संख्या आती है, 20, 20 को 2 से भाग करेंगे 10, यानी 10 संख्याओं के वर्गों का योग इसमें से घटा देंगे, यानी 4 गुणा में 10 गुणा में 11 गुणा में 21 अपॉन में 6, यानी 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, 3 से काटा ये 7 आ गया, 7 दूनी 14, 14 की गुणा 11 से करेंगे तो ये 4, ये 5, ये 1 और 10 की कर देंगे तो 1540, यहाँ से 6 से करेंगे तो यहाँ से आपका करेंगे 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 17 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 17 तो ये 51 होता है, 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी 17 गुणा 26 की मल्टीप्लाई करेंगे 26 गुणा में 17 कर देंगे, 7×6=42 और यहाँ से बचा 4, 7×2=14, 14×4=18 और यहाँ से 26 से कम 26 2 आ जाएगा, 8×6=14 आ जाएगा, राशि बचेगी 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा और 25×50 हो जाएगा। इससे अच्छा था हमारा क्या करते हम, यहाँ से 2 को नहीं काटना था, यहाँ से चलो दोस्तों इसको काट देते हैं, हमारे 4 और 6 था, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 से काटा तो ये 17 आया था, यहाँ से बचा था हमारा 2, 2 से काटते तो ये 13 आता, 13 और 17 की हमने मल्टीप्लाई की थी तो हमारा आया था 221 या 212 आया था, 212 आया था शायद, यानी 13 की गुणा 17 से करेंगे, ये फिर गड़बड़ हो गया, यानी 13×7=91 हासिल बची 9, 13×13 13 और 9 आ जाएगा आपका 21, यानी 221 आया था, 25 चौक 100 कर देंगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से 1540 हम माइनस कर देंगे, यहाँ से 0, यहाँ से 10 में से 4 गया 6 और यहाँ से 10 क्योंकि यहाँ से 0 बची है तो 10 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 जाएगा 0 और यहाँ से 2, यानी 20560 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 91 में हमें दिया गया है 42 का स्क्वायर प्लस में 44 का स्क्वायर प्लस में 46 का स्क्वायर प्लस में डैश 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 80 तक के स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो 80 तक देखें तो कितनी संख्याएं हो जाएगी, 40, तो यानी 4 गुणा में 40 गुणा में 41 गुणा में 81 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, माइनस कर देंगे 42 से पहली वाली संख्या कौन सी होती है 40, 40 को आधा किया 20,
यानी 4 गुणा में 20 गुणा में 21 गुणा में 41 अपॉन में 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6 और बचा 2, 3 सते 21, और 2 से अगर काटेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, और यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, और ये 3 पे, ये 3 से काटेंगे ये 7 पे चला जाएगा। तो यहाँ से 7 एकम 7 है और 7 चौके 28 है, और 2 दूनी 4 यानी यहाँ से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 चौके 28 है और 8 चौके 32 है, 32 और 2 34, 34 का 4 है, 4 दूनी 8 होती है 11, यानी 11480 आ गए यहाँ से, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 है यानी 80 की करेंगे तो 8 एकम 8 है, 8 चौके 32 गुणा में क्या है 0 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 27 से कर देंगे तो यहाँ से 0 सीधी लास्ट में लगा देंगे, यहाँ से 7 से करेंगे 7 आठ 56 बचा 5, 7 दूनी 14 5 19 है, और 7 21 और 1 22 है, और 8 दूनी 16 है, 2 दूनी 4 और 1 5 है, और 3 दूनी 6 और यहाँ से आएगा 6, 9 6 15 है, 2 और 5 7 और 1 8 है, 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 0 हमने छोड़ी थी वो लगा दी क्योंकि यहाँ से बचा है आपका 88,560 है, 88,560 है, माइनस कर देंगे 11,480, तो यहाँ से 0 16 में से 8 जाएगा तो आपका आएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा 7 है, और यहाँ से 7 77,080 क्या होगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आगे क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 92 में हमें दिया गया है 52 का स्क्वायर है प्लस में 54 का स्क्वायर है प्लस में 56 का स्क्वायर है प्लस में डैश 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 है 100 का स्क्वायर, यानी 100 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे और उसमें से 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे। 100 तक आपकी कितनी संख्याएं होती है 50, तो 4 गुणा में 50 गुणा में 51 गुणा में ये हो जाएगा 101 अपॉन में हो जाएगा 6, माइनस कर देंगे हम यहाँ से कर देंगे 4 गुणा में यानी 50, 50 का था 25 यानी 25 गुणा में 26 गुणा में 51 अपॉन में कर देंगे 6, या आप कह सकते हैं 4 बटे 6 दोनों में हैं तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके आप वैसे भी कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ से हम काट देते हैं एक बार नहीं, यहाँ से काटेंगे 2 और यहाँ से बचेगा 3, 3 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 और 0 17 आ जाएगा, यानी 17 की 101 से करेंगे 17 17 आ जाएगा, 50 दूनी 100 के साथ हम 00 लगा देंगे, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये कटेगा आपका 13 पे, और यहाँ से बचा आपका 3, 3 पे बचेगा 17, और यहाँ से 25 चौक 100 यानी 13 सत्ते 91 का 1, और 13 एकम 13, 13 और 9 हो जाएगा आपका 22 यानी 221, 25 चौक 100 ये इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 22,100 अगर हम माइनस कर देंगे इसमें से 0 0 और यहाँ से 6 और यहाँ से 11 में से 2 गया 9 और यहाँ से आपका 6 में से 2 गया 4 और यहाँ से 1 यानी 149,600 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है 20 से 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसने कहा है 20 का स्क्वायर से लेकर आपको 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग आपको ज्ञात करना है, यानी सम संख्या निकालेंगे तो 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगी, यानी 4 गुणा में 20 गुणा में 21 गुणा में आपका इन दोनों का जोड़ 41 अपॉन में 6, माइनस करेंगे 20 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, पहले तो 20 देखेंगे, 20 से पीछे वाला लेना होता है, यानी पीछे वाला कौन सा आएगा 18, 18 का आधा किया 9 यानी 9 आ गया, 4 गुणा में 9 गुणा में 10 गुणा में 9 और 10 19, या आप कह सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19 अपॉन में 6, यानी यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा आपका 3, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 से 7 और यहाँ से आएगा 2, यहाँ से 7 एकम 7 और 7 चौके 28 और 2 दूनी 4 यानी 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 चौके 28 और 8 चौके 32 और 2 30 और 4 दूनी 8 और 3 11 और यहाँ से अगर करेंगे 19 दिया 57 दूनी 114
114 यहाँ से आ गया आपका और 10 की जीरो आ गई, यानी 1140 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये जीरो, ये चार और 10 में से एक गया तो आया 9, और एक में से एक गया जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया 10,940 आपका राइट आंसर, परंतु ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कहीं मिस्टेक हुई। एक बार फिर चेक करते हैं, यहाँ से क्या था आपका 4 × 20 × 21 × 41/6, 3 × 7 = 21 और 2 × 4 और 2 × 3 = 6, यहाँ से आ गया 7 × 7 और 7 × 28 और 2 × 4 7 × 28 और 8 × 32, 7 × 28 होता है और 8 × 32 और 2 = 34, 34 + 3 और 4 × 8 और 3 = 11। अब देखते हैं, 0, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ से आपका 0 आ जाएगा और यहाँ से 1, यानी ये आपका क्या आ गया राइट आंसर निकल कर आ गया 10,340 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 94 में हमें दिया गया है 25 से 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 25 से लेकर आपको क्या करना है 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर देखें तो 25 तो विषम संख्या है, तो यानी 26 से शुरू होगी, 50 को 2 से भाग किया 25, यानी 25 संख्याओं का निकालना है, तो 4 × 25 × 26 × 51/6 माइनस करेंगे 4 × 26 से पहली वाली संख्या होती है 24 सम संख्या, 24 को 2 से भाग किया तो 12 संख्याएं होती है, तो 12 × 13 × इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आएगा 25, या 12 × 24 और 25/6, 6 से काटा तो यहाँ से सीधा कट जाएगा 2, यानी 25 4 × 8 25 × 100 = 200 हो गया, या 25 × 8 = 200 हो गया, 13 × 2 = 26 हो गया, 26 हो गया यहाँ से, यानी यहाँ से आपका आ गया 2600, ठीक है। यहाँ से करेंगे 2 से काटेंगे तो 13 आएगा और 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो ये 17 आएगा, 25 × 100 होता है और 13 × 7 = 91 और यहाँ से आ जाएगा 200, ये आएगा 21, क्योंकि 13 × 7 = 91 बचा 9, 13 × 13 और 13 और 9 हो जाएगा आपका 21, 13 × 7 = 91 13 × 13 = 13 × 7 और यहाँ से आपका हो जाएगा सही है 25 × 100, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी यहाँ से 2600 आप इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 0 0 11 में 6 गया 5 और 12, यानी 11 हो जाएगा यहाँ से, 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ से 19,500 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 95 में हमें दिया गया है 30 और 50 के बीच की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी आपको 30 + 32 दिया गया, यानी 30 का स्क्वायर + 32 का स्क्वायर ये हम सोच सकते हैं, यहाँ से 48 का स्क्वायर + 50 का स्क्वायर हम सोच सकते हैं, इसने कहा 30 और 50 के बीच की, तो 30 और 50 को आप काट दीजिए, यानी 32 से लेकर 38 तक निकालना है, 48 को हम क्या करेंगे 48 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 44, यानी 4 × अगर सॉरी दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे 48 को 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा 24 आएगा, यानी 24 × 25 × 29/6 हो जाएगा 6 और माइनस कर देंगे यहाँ से 32 से पहली वाली संख्या कौन सी होती है 30, 30 का अदा किया तो कितना आएगा 15, यानी 4 × 15 × 16 × 31/6, तो यानी 2 × 4 और 2 × 3 = 6, 3 से काटा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ से अगर करेंगे 6 × 24 हो जाएगा और 25 × 100, 100 × 400, 400 की मल्टीप्लाई 29 से कर देंगे, 4 × 36 बचा कितना 3 और 4 × 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11,600 हो गया, यहाँ से 16 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे 16 × 1 = 16, 16 × 3 = 48 और 1 क्या हो गया 49, 5 × 10 यहाँ से, यानी 49,60 इसमें से आप घटा देंगे, 0, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ से बचा 5, यहाँ से 15, 15 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 6 और यहाँ से बचा 0, यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा,
6640 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, परंतु ये कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार फिर चेक करते हैं, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है। 4 × 4 = 24, 25, ये यही मिस्टेक होगी। 24 और 25 यानी 24 × 48, 48 और 49 होता है, यहाँ से 25 × 100 होता है, 100 × 200 होता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ से 25 × 100, 100 × 200 की 00 आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से 2 × 18 और 2 × 8 और 9 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो आपका निकल करके आएगा 4 × 16 = 4, 4 × 36 और 4 × 16 = 16 × 3 = 19। अब ये सही आएगा, 0 यहाँ से आएगा आपका 4 और यहाँ से आपका कितना आ गया आपका अब 15 में से 9 जाएगा तो आपका 6 आएगा और यहाँ से बच गया आपका अब 8, 8 में से 4 जाएगा तो आपका आएगा 4 और ये 14640 बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या ले लिया था 29 ले लिया था, जो कि बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि n × n+1 × 2n+1 यानी 24 × 48 और 49। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 96 में हमें दिया गया है 35 से लेकर यानी 35 और 60 के बीच की सम संख्याओं के वर्गों का योग। 35 तो वैसे भी सम संख्या नहीं होती, यानी 36 से शुरू होगी, और इसने 60 के बीच की कहा है तो 60 इसमें वैसे ही नहीं आएगी, ये 58 तक रह जाएगी। 58 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी 4 × 29 × 30 × 59 यानी 58 + 1 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, अपॉन में 6 कर देंगे, माइनस कितना करना पड़ेगा 36, तो हमने ले लिया 36 से पहली वाली संख्या कौन सी आएगी 34, 34 को आधा करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी n आ गया 17, यानी 4 × 17 × 18 34 हो गया, कितना हो गया 35, अपॉन में कितना हो गया 6 से काटा तो 3, 6 × 3 = 18 और यहाँ से काटा तो 6 × 5 = 30 और यहाँ से अगर हम करें 5 × 20 यानी पहले तो हम क्या करेंगे 59 की मल्टीप्लाई 29 से कर देते हैं और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 81 असली बची 8, 9 × 5 = 45 और 8 आपका हो गया 53। फिर एक बार चेक करते हैं, 9 × 9 = 81 बचा 8, 9 × 5 = 45 45 × 5 = 50 और 3 = 53 ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्टेक होगी तो ये पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 2 × 18 और 2 × 5 = 10 और 1 = 11 यानी 1, 8 और 3 कितना हो गया 11 और यहाँ से 5 × 6 = 7 और यहाँ से 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा क्या आया था ऊपर 5 × 20 यानी हमारा 5 × 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0, 2, 2, 7 × 14 2 × 2 = 3 यानी 34220 आ गए यहाँ से, और यहाँ से करेंगे 4 × 3 = 12 इसकी मल्टीप्लाई तो हमें पूरी करनी पड़ेगी, यानी यहाँ से अगर करें 17 × 68 हो गया और 5 × 3 = 15 और 3 × 9 = 10 इसके साथ हम पूरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 × 5 = 40 और 8 × 8 और यहाँ से 6 से करें तो 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 0, 4, 8 × 3 = 11 और 7 = 7140 इसमें से हमें घटा देते हैं, 0, 12 × 4 जाएगा तो आपका आएगा 8 और यहाँ से आपका 0 और यहाँ से 14 × 7 जाएगा 7 और यहाँ से 2 यानी 27080 यानी 27080 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक भी मिस्टेक हो गई यहाँ से कैलकुलेशन में तो आपका पूरे का पूरा सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें क्या दिया है, 1² + 3² + 5² + 19² ये आपको दिया गया है, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है
टू एन प्लस में वन यानी एन इन टू में टू एन प्लस में वन, टू एन माइनस में वन अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है थ्री। ये फार्मूला आपको नोट करना है, ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला। एन क्या होगा, यहाँ से इसने दिया है 19 तक, तो 19 आपका एन, 19 दूना 38, 38 और 1 39। सॉरी दोस्तों, यहाँ से मिस्टेक हो रही है फिर, क्योंकि इसने क्या दिया है, 19 तक दिया है, 1 3 5 7, यानी ऐसे चलते जाएगी 19 तक। आपकी कितनी टोटल संख्याएं आ जाएगी, 19 में एक जोड़ेंगे यानी 20, 20 का आधा करेंगे 10, यानी यहाँ से 19 तक कितनी हो जाएगी, टोटल 10 ही विषम संख्याएं होगी, तो एन 10 निकल कर आएगा। 10, 10 दूना 20 और 1 21, 10 दूना 20, 20 में से गया 19, अपॉन में क्या कर देंगे आप, 3 कर देंगे, 3 7 21, 7 9 63, बचा 6, 7 और 6 13, और 10 की 0 आ जाएगी, 1330 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको ज्ञात है तो आप बहुत आसानी से अब बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 98 में हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में -29 का स्क्वायर तक, यानी यहाँ से पहले हम एन निकालेंगे। अगर एन निकालेंगे तो 29 में एक जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 15, यानी 15 हमारा एन आ गया। अब विषम संख्याओं के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एन 2n+1 यानी 15 दूना 30 और 1 31, 2n-1 15 30, 30 में से गया 29, अपॉन में क्या करते हैं हम, 3 करते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ से इनका स्क्वेयर करके, या किसके बीच का है, 30 के स्क्वेयर माइनस 1 कर देंगे तो हमारा 31 और 29 की मल्टीप्लाई आ जाएगी, क्योंकि ये होता है a+b a × b, यानी इसे लिख सकते हैं 30+1 × 30-1, ये बन गया a+b × a-b। दोस्तों यहाँ से समझ लेंगे एक बार है, तो आपको बहुत आसानी होगी करने में। a+b × a-b जो कि बराबर होता है a² - b², तो यानी 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 900 में से 1 जाएगा तो 899, और अब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, बचा आपका 4 8 5 40, 40 और 4 44, 4495 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 99 में हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 39 का स्क्वायर, यानी 39 के स्क्वायर, यानी यहाँ तक आपको एन निकालना पड़ेगा। एन निकालेंगे तो एक जोड़ेंगे 40, 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, एन आ गया 20। तो यहाँ से फार्मूले में रखेंगे 20 दूना 40, यानी पहले रखेंगे एन 20 दूना 40 और 1 41, 20 दूना 40, 40 में से गया 39, अपॉन में कर देंगे 3, तो यहाँ से काटेंगे 13 पे जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे 13 एकम 13 का 3, 13 चौके 52, 52 और 1 53, 53 की यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 10,660, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 100 में हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में -, ये दिया है 59 के स्क्वायर तक का मान ज्ञात करना है, तो 59 में एक जोड़ेंगे 60, 60 को 2 से भाग करेंगे 30, आपका एन निकल कर आया है 30। अब फार्मूले में रखेंगे 30 का स्क्वायर 60, 30 दूनी 60 में से एक कम किया 59, अपॉन में करेंगे हम 3, तो यहाँ से हम करेंगे 10, यानी ये 60 का स्क्वायर माइनस 1 है, 60 का स्क्वायर होता है 3600 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 3599, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 35990, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।